हेलो फ्रेंड्स, मैं अभा। फ्रेंड्स, आप में से कई व्यूवर्स ने मुझे लहसुन की चटनी की रेसिपी पूछी थी। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे लहसुन की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही इजी है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसे एयर टाइट कंटेनर में एक महीने तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे दाल, सब्जी या कोई भी फास्ट फूड जैसे सैंडविच है, वड़ा पाव है, दाबेली, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लहसुन की चटनी बनाने के लिए मैंने ली लहसुन 20 से 25 कली। लहसुन के लिए मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। नमक स्वाद के अनुसार लिया है मैंने। जीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून। तिल लिए 1 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। सबसे पहले मिक्सर जार में लहसुन डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, ये टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं आप। रेड चिली पाउडर डाल देंगे, तिल डाल देंगे, अब थोड़ा सा पानी डाल के और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। एकदम बारीक पेस्ट बना लेना है हमें। देखिए, मैंने इस तरह का बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है, एकदम स्मूथ। अब हम इसमें बघार लगाएंगे। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे बघार लगाएंगे तो एक महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। फ्रेंड्स, अब हम इसमें बघार लगा लेते हैं। बघार लगाने के लिए पैन में मैं ऑयल डाल लूँगी 1 टेबल स्पून। अब जीरा डालेंगे। अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। बस हमें इसे मिक्स करके और गैस बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी का कलर कितना अच्छा आ गया है और तरी भी आ गई है चटनी में। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हमारी एकदम स्पाइसी और टेस्टी लहसुन की चटनी। आप इसे किसी भी सब्जी में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, दाबेली, वड़ा पाव में भी यूज कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये खराब नहीं होती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।